अच्छा बच्चों, चलो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम का चैप्टर। आयनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर के अंदर शुरुआत हमने करी थी, पिछली बारी हमने जो क्लास में पढ़ा था वो हमने पढ़ी थी एसिड बेस थ्योरी, जिसके अंदर हम लोगों ने कवर किया था अरहीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस। अरहीनियस के बाद ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ा था और फिर ल्यूविस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। क्विकली रिवाइज करवा रही हूँ। ल्यूविस के ना टाइप्स ऑफ मतलब ल्यूविस की ना कैटेगरी भी होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूविस एसिड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूविस बेस, वो वाली चीज हम लोग यहाँ से कवर करेंगे इस वाली क्लास में। और उसके बाद इस चैप्टर के मेन इस पे चलेंगे। ये वाला पूरा चैप्टर ना न्यूमेरिकल बेस्ड ही है, इस पर न्यूमेरिकल ही आता है। तो जो जो कॉन्सेप्ट्स भी मैं पढ़ाऊंगी वो वाया थ्रू न्यूमेरिकल्स ही पढ़ाऊंगी, कि आपके न्यूमेरिकल के हिसाब से आपके कॉन्सेप्ट्स कवर होते जाए। ठीक है, चलो क्विकली एक छोटा सा रिवाइज करवा देती हूँ। पहले सबसे पहले था आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। जी तो आर्हेनियस ने बोला आर्हेनियस एसिड्स होते हैं H प्लस डोनर्स, और आर्हेनियस बेस होते हैं OH माइनस डोनर्स। सिंपली इतना, दिस वाज द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कि आर्हेनियस एसिड्स और आर्हेनियस बेसिस। बट आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की कुछ लिमिटेशंस थी, उसको वो सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स या बेसिस को नहीं डिफाइन कर पा रहा था, तो इसलिए आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के बाद आया ब्रॉन्स्टेड लोरी लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। कॉन्सेप्ट CEPT, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो ब्रॉन्स्टेड ने बोला प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन डोनर्स, प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। सो दिस वाज द ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। बट ये भी अपने आप में इनफ नहीं था। ऑल्दो हम जो आगे के चैप्टर का जो बाकी थ्योरी पढ़ेंगे ना, वो पूरा का पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है। ल्यूविस कॉन्सेप्ट तो और रिफाइनमेंट ही है, पर वो ज्यादा यूज नहीं होता है। मेन हम इसी से करेंगे, ठीक है? यही दोनों पे हम ऑस्टवर्ल्स डाइल्यूशन लॉ और वो सारे सारे न्यूमेरिकल सब कुछ अपना इसके बेसिस पर ही होगा सारे के सारे। ठीक है, इन दोनों के बाद जो लास्ट में कॉन्सेप्ट आया वो आया ल्यूविस कॉन्सेप्ट ऑफ यस एसिड्स एंड बेस। तो ल्यूविस इलेक्ट्रॉन एसिड्स होते हैं क्या? पेयर एक्सेप्टर। हाँ, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। और ल्यूविस बेसिस होते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर। डोनर्स। ठीक है, ये तीन कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। अब इसी के अंदर ना थोड़ा सा टाइप्स ऑफ ल्यूविस एसिड्स और टाइप्स ऑफ ल्यूविस बेसिस हम लोग कवर कर रहे हैं। ये पूरा आपको आता है, मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ। गुड बच्चों इवनिंग मैम। टाइप्स ऑफ ल्यूविस एसिड्स, ठीक है? पांच टाइप्स ऑफ ल्यूविस एसिड्स होते हैं। सबसे पहले जो अपना आता है मॉलिक्यूल्स विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है? जिनके सेंट्रल एटम की ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखे तो BF3, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड और FeCl3। ठीक है, सो ये वाले जो है ना, इनकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि बोरॉन के पास टोटल तीन इलेक्ट्रॉन्स अपने थे। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो 2.3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए इसके 3 हो गए। तीन बोरॉन के अपने और तीन इसने फ्लोरीन से लिए, तो तीन तीन छह ही हो रहे हैं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। सेम इज विद एल्यूमिनियम एंड आयरन। तो इसके अंदर जो सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। क्योंकि इसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है
तो फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, तो फिर ल्यूविस एसिड होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और AlCl3Cl- इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर इसीलिए अपना AlCl4- ये बना लेता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर फर्स्ट। पहला नंबर वन, नंबर टू कुछ सिंपल कटायंस, कटायंस जैसे कि मैं लिख रही पहले सिंपल कटायंस, जैसे कि Ag+, Cu+, ठीक है, Fe3+, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, ये सिंपली फटाफट से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकती है, सिंपल कटायंस, दीज आर ऑल्सो ल्यूविस एसिड्स। इसमें और एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं, Na+, Li+, Al+3, Halogen+, H+, तो ये अपने सिंपल कटायंस, दीज आर ऑल्सो ल्यूविस एसिड्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं। नंबर थ्री, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेंट्रल एटम विथ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेंट्रल एटम जिनका डी ऑर्बिटल ना खाली हो, तो वो भी ल्यूविस एसिड का काम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मैं ऐसे करके लिखती हूँ, जैसे कि SiF4 है, ये F- एक्सेप्ट कर बना लेता है इजिली। अभी जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन का देखो क्यू एमपीडी ऑर्बिटल, हमने बोला कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, ठीक है, 2, 2, 4, 6, 10, 12, 2, 14, ठीक है, अगर 3 वाला शुरू हुआ है तो 3s3p के साथ 3d भी तो होगा, तो उसका 3d पूरा का पूरा वेकेंट है, क्योंकि 3d पूरा का पूरा वेकेंट है, वेकेंट मतलब खाली, 3d पूरा का पूरा खाली है, तो वहां पर F- आ सकता है, ठीक है, सो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी एग्जांपल लिखो इसका, सिंपल कटायंस वाले का, इसका एग्जांपल रिएक्शन ऐसा लिख देती हूँ, पहले इसको थोड़ा सा नीचे करती हूँ, और यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देते हैं Ag+ ये बन जाता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, बेसिकली ये जो Ag+ था अमोनिया के साथ, ये वाली स्पीशीज ये अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, प्लीज नोट दिस डाउन बच्चों। सेंट्रल एटम की इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना नंबर वन, नंबर टू सिंपल कटायंस बेसिकली वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, नंबर टू, नंबर थ्री
जो सेंट्रल एटम है अगर उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल हो, उसका डी ऑर्बिटल खाली हो, तो भी वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। डी ऑर्बिटल है उसमें खाली है तो उसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो वो भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। ठीक है, दो टाइप्स और है, ये नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। डन में, ठीक है, नंबर थ्री और एक और नेक्स्ट पेज नंबर फोर। सो फोर्थ नंबर पर मॉलिक्यूल विद मल्टीपल बॉन्ड्स, जैसे कि CO2, SO2, SO3, सो दे कैन ऑल्सो एक्ट एज ल्यूविस एसिड। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे CO2 है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड CO2 है, तो ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल कर लेता है। पुल कैसे करता है, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास ही रखा, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन था जो शेयरिंग में हुआ था उसको खींच गया। जब एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चला गया तो फिर ये वाला सी डबल बॉन्ड हो तो ऐसे ही है, इस पे प्लस और इस पर माइनस आ जाएगा। क्यों इस पर माइनस आ गया, क्योंकि इधर वाले ऑक्सीजन का ना एक दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा, चार पांच छह, ऐसा छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और दो इसने कार्बन के साथ लेके अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करी थी। अभी ऑक्सीजन ने बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन का लालच किया उसने ऑक्सीजन ने, और उसने अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखा ही, ये वाला कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ले लिया। तो क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कार्बन पे आ गया प्लस वन, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया है ना, अपने जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वजह से नो चार्ज, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उसने कार्बन का खींच लिया उसकी वजह से माइनस वन। अब कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो दिस विल एक्ट एज ल्यूविस एसिड। और ये कैसे ल्यूविस एसिड की तरह काम करता है, तो जब इसको OH माइनस दिखा, लेट्स से ऐसी जनरल एग्जांपल दे रही हूँ, तो OH माइनस क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो ये ल्यूविस बेस का काम करेगा और इन दोनों मिलकर प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। ऐसा लिख देती हूँ, इधर यहाँ कर देती हूँ सी डबल बॉन्ड ओ और एक ओ नेगेटिव ऐसे लगा देते हैं, और इस पर जो प्लस था ना तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी, इस पर नेगेटिव चार्ज, मतलब इसके पास अभी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक अपना और एक एक्स्ट्रा, तो वो OH, तो HCOO माइनस जो बाइकार्बोनेट आयन होता है, बाइकार्बोनेट, इसको ऐसा करके लिखते हैं HCOO नेगेटिव, है ना, तो ये वाली स्पीशीज बन जाती है बाइकार्बोनेट आयन। एक ओ कम कर दिया मैंने, सॉरी, एच सी ओ थ्री नेगेटिव, ऐसे तीन ऑक्सीजन है ना, तो बाइकार्बोनेट आयन, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूविस एसिड्स। ठीक है, इस तरह का एनसीईआरटी वगैरह में या कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आइडेंटिफाई विच वन ऑफ दीज इज अ ल्यूविस एसिड, या आइडेंटिफाई विच वन ऑफ दीज इज अ ल्यूविस बेस, तो आप लोग अच्छे से लिख पाओगे कि ये सारे ल्यूविस एसिड्स हैं या ये सारे ल्यूविस बेस हैं। ठीक है, सो ल्यूविस एसिड्स डन, नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ एंड आई विल बी राइटिंग डाउन ल्यूविस बेस, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको नोट डाउन जरूर करना। ठीक है, सो नेक्स्ट ल्यूविस बेस दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो ल्यूविस बेस को पहले मैं यहां लिख दूं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, सो इसके अंदर आ जाएगा, पहला है सेंट्रल एटम हैविंग लोन पेयर, तो लोन पेयर किस किस में हो सकता है, जैसे कि अमोनिया, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, अल्कोहल्स, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, सेंट्रल एटम हैविंग लोन पेयर, और
अनदर एग्जांपल, इधर वाटर भी लिख दूं, ठीक है, सेंट्रल एटम हैविंग लोन पेयर और दूसरा है नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जैसे कि Cl माइनस, F माइनस, O2 माइनस, SO4 2 माइनस, N माइनस C, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज OH माइनस, CN माइनस, All of these are Lewis bases. Lewis bases हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं, तो कोई भी ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते, ठीक है, जनरली हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन से ल्यूइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट समझाते हैं। जनरली कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है ल्यूइस एसिड बेस में। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ये लिखते हैं NHC, तो यहां पर इस तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। इसके पास लोन पेयर है, सो दिस विल एक्ट एज ल्यूइस बेस। इसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो ये बन गया ल्यूइस एसिड। इन दोनों कंबाइन करके ये बनाते हैं, जिसके अंदर ये अपना लोन पे इधर PFC को दे रहा है, तो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। नोटिस डाउन बच्चों, फिर एक क्वेश्चन लिखूं। डन मैम, वेट, डन में। अच्छा अभी मैं लिखूंगी एक सेंटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट कर कर लिख लेना, ठीक है। सो पहला नंबर वन, ऑल ल्यूइस बेस आर ब्रॉन्स्टेड बेस, ठीक है। नंबर टू, ऑल Lewis base are, all Lewis base are Bronsted base. Okay. All Bronsted acids not be Lewis acids. For example, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं example ammonia plus water का, चलो So, इस केस में ये लोन पेयर दे रहा है, ठीक है, वहां से जो H प्लस आ रहा है, तो मतलब बेसिकली मैं यहाँ पे पहले बेस और एसिड लिख देती हूँ, ठीक है, और उसके बाद समझाते हैं। उसको मैंने बेस लिख दिया, उसको मैंने एसिड लिख दिया। अमोनिया यहाँ पर ल्यूइस बेस का काम कर रहा है, लोन पेयर दे रहा है, किसको दे रहा है, ये वॉटर जो है ना एच प्लस आयन्स दे रहा है। वॉटर क्योंकि H प्लस आयन्स दे रहा है, वो H प्लस आयन्स इसके लोन पेयर से जुड़ रहे हैं और अमोनियम बना रहे हैं। सो दिस इज एक्टिंग एज अ बेस। ये इधर ल्यूइस बेस भी है और ब्रॉन्स्टेड बेस भी है। ल्यूइस बेस मैं यहाँ पर एक डेफिनेशन भी लिख दूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ब्रॉन्स्टेड बेस होता है प्रोटोन एक्सेप्टर। तो ये लोन पेयर भी दे रहा है और वाटर जो H प्लस दे रहा है ना, उसका H प्लस को एक्सेप्ट भी कर रहा है। सो दिस कैन एक्ट, अमोनिया कैन एक्ट एज
लुईस बेस ऑल्सो और ब्रॉन्स्टेड बेस ऑल्सो. क्या ये वाली चीज समझ में आई? यस मैम. ऑल गुड है ना. ओके नाउ अभी ये एसिड वाटर इज एक्टिंग एज एन एसिड. ये एच प्लस आयंस दे रहा है. सो ब्रॉन्स्टेड एसिड होता है प्रोटॉन डोनर और लुईस एसिड होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. ये प्रोटॉन तो डोनेट कर रहा है लेकिन वाटर वाटर अपने आप में एकदम न्यूट्रल ऐसा हैप्पी स्पीशीज है ना. वो कभी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है किसी और? मतलब यहाँ पर आप सोचना कि वाटर को कभी आप देखा है कि H2O के साथ आप नेगेटिव लगाते हो? नहीं ना. सो दिस विल बी अ ब्रॉन्स्टेड एसिड बट नॉट अ लुईस एसिड. इसमें जो H प्लस दिया था वो H प्लस ने इसका लोन पेयर लिया. वाटर कभी भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं करता है. सो वाटर इज नॉट अ लुईस एसिड. थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया बच्चों? यस मैम. अभी मैं अभी क्वेश्चन दे रही हूँ. मुझे आप लोग क्वेश्चन दे रही हूँ. आइडेंटिफाई लुईस एसिड एंड लुईस बेस. आइडेंटिफाई करके बताना. मैं स्पीशीज लिख रही हूँ कि लुईस एसिड है कि लुईस बेस है. OH माइनस F माइनस H प्लस. वेरी सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर. वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके सिर्फ आपको जो मैंने फर्स्ट पेज पर जो डेफिनेशन लिखी थी वो वाली आपको याद रखनी है. एक और लिख रही हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं वहां पर लिखा नहीं था. और यहाँ पे लिख देती हूँ इसकी नाम लुईस एसिड होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और लुईस बेस होता है इलेक्ट्रॉन. चल जल्दी से बताओ. पहला वाला OH माइनस लुईस एसिड के लुईस बेस. लुईस बेस. F माइनस लुईस बेस. H प्लस एसिड. लुईस एसिड ठीक है. इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा. प्रोटॉन ही है एक्सेप्ट ही कर सकता है ना. ओके BCl3 लुईस एसिड. अमोनिया लुईस बेस. CF3 लुईस एसिड. एसिड SnCl4 टिन टेट्राक्लोराइड. इसके पास होते हैं एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स. इस हैज एम्प्टी डी ऑर्बिटल. अब बताओ अगर इसके डी ऑर्बिटल वेकेंट है तो फिर इसका मतलब ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है. और अगर ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है देन इट इज लुईस एसिड. ठीक है ये बताओ. मैम लुईस बेस. बेस लोन पेयर है इसके पास है ना. कार्बन मोनोऑक्साइड CO क्या होगा? लुईस एसिड की लुईस बेस. कार्बन मोनो. ओके सो यहाँ पर कंफ्यूजन वाली पॉइंट इसलिए आता है कि हम सोचते हैं कि अरे बड़े सारे पाई बॉन्ड्स हैं और मल्टीपल बॉन्ड्स हैं तो इसको मल्टीपल बॉन्ड्स तो लुईस एसिड में पड़ा है तो वहां डाल देते हैं. बट कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है. कैसे? आपने ये वाली स्पीशीज तो देखी होगी, निकल टेट्रा कार्बोनिल. यस मैम. कार्बन मोनोऑक्साइड, स्पेशली 12th के बच्चे इस चीज से रिलेट कर पाएंगे. जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, इसमें हम कार्बोनिल बोलते हैं उसके नॉर्मल क्लेचर में. तो ये जो है ना लोन पेयर इस निकल को डोनेट कर रहा होता है. ये लीगेंड, लीगेंड एक टर्म होता है. लीगेंड हम जो है 12th में पढ़ते हैं, तो अभी 11th के बच्चों को नहीं पता है. लेकिन ये ना लोन पेयर दे रहा होता है निकल को, सेंट्रल एटम को. ठीक है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनर है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट ऐसे करके होता है, निकल बीच में और यहाँ पर CO, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, इस तरह कर वो डोनेट कर रहा होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा होता है, इसलिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनर मतलब लुईस बेस. ओके, इस तरह करके कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर. तो एक्चुअली में ना कार्बन मोनोऑक्साइड, चलो उसको और बाद में डिटेल में पढ़ेंगे. अच्छा, निकल प्लस, निकल आयन Ni2+. मैंने सिर्फ Lb लिखा था लुईस बेस. गुड गुड. ठीक है, लुईस एसिड इधर, निकल आयन. और PCl5 क्या होगा मैम? लुईस बेस. लुईस एसिड. लुईस एसिड क्यों? क्योंकि PCl5 के अंदर, PCl5 की ज्योमेट्री शेप अगर सबको याद होगा, sp3d होता है. कैसे होता है वो? फास्फोरस 15, तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p3 होता है. और फिर वो sp3d बन जाता है. sp3d कैसे बनता है? ये s के दो पी के और डी खाली होता है. तो हाइब्रिडाइजेशन के टाइम एक इलेक्ट्रॉन इधर से वहां चला जाता है. तो फिर इसको थोड़ा सा ऐसे लिखो कि बच्चों, तो यहां से एक चला गया, तो एक इधर और एक इधर, और इन मिलकर sp3d बना लेते हैं, है ना. पर ये सारे तो खाली है ना, वेकेंट डी ऑर्बिटल. अगर डी ऑर्बिटल खाली है, वेकेंट है, तो मस्त लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड. और आपको याद भी होगा PCl5 ये एक्सेप्ट कर कई बार आपने PCl6- ये वाली स्पीशीज देखी भी होगी, है ना. PCl6- है ना. तो फिर ये अपना जो है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है. सो हेंस दिस इज अ लुईस एसिड. ठीक है. यस मैम. दिस वाज गुड. अब हम आगे बढ़ते हैं. ये थ्योरी अपनी यहीं तक थी. इसके आगे जो है ना, अब हम लोग पढ़ेंगे KA, KB, KW. आई थिंक मनोज ने या निशांत ने, आज निशांत है, नहीं आज निशांत ने, किसने मुझसे उस दिन KW वाला क्वेश्चन पूछा था कि अगर KW 10, मनोज ने ही पूछा था. yes, हाँ, कि टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो फिर जो है पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी न्यूट्रल वाटर की, वो सब कुछ. तो अब से जो है हम लोग न्यूमेरिकल वो चीज करना शुरू करेंगे. आई होप क्या सबको लॉगरिदम आता है, लॉग लेना आता है? मेडिकल वाले बच्चे हैं कोई जिनको लॉग लेना नहीं आता है? बच्चों, अगर आप लोग को लॉग लेना नहीं आता होगा तो मुझे बता देना. मैं क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे ना, हर क्वेश्चन के हिसाब से लॉगरिदम थोड़ा थोड़ा करके समझाती जाऊंगी, क्योंकि इस चैप्टर में लॉग लेना आना जरूरी है, लॉग समझ में आना चाहिए. एंड आई होप आपको लॉग टेबल देखनी आती हो. क्वेश्चंस में दे रखा होता है मोस्टली लॉग की वैल्यू, और जहां जहां पर यू नीड माय हेल्प, तो वो वाली चीजें मैं बताती जाऊंगी लॉग निकालने की. ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों. अब यहाँ से इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक शुरू हो रहा है अपना, आयनिक इक्विलिब्रियम का. सबसे पहले डालो आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट. हेडिंग डालो बच्चों, आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. इस चैप्टर में से सिर्फ न्यूमेरिकल्स आते हैं, जेई के बच्चे, नीट के बच्चे. प्लीज आप सब लोग जो है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व जरूर करो इसके लिए. चलो अब हम आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट की कॉन्सेप्ट समझते हैं. अब अभी तक हम लोग जो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़े थे, वो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था
मॉलिक्यूल्स के लिए, मॉलिक्यूल्स की हम लोग डिसोसिएशन पढ़ रहे थे, मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है, जैसे अमोनिया को डिसोसिएट करवा रहे हैं हम इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, या फिर एचआई का डिसोसिएशन है इनटू हाइड्रोजन एंड आयोडीन, रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, सबकी कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट एट इक्विलिब्रियम, वो सारी कहानी जो हमने पढ़ी वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए पढ़ी थी. अब हम पढ़ रहे हैं आयनाइजेशन एसिड्स की और बेसिस. अब उसका क्या मतलब होता है? अब जैसे कि हमारे पास कोई एसिड है, मैंने सिंपली HA लिख दिया, एसिड है, तो एसिड जो है, एसिड का काम मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि आगे का जो टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, हमने ल्यूविस कॉन्सेप्ट पढ़ा तो है लेकिन मेजरली हम लोग आर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ल्यूविस कॉन्सेप्ट को इतना नहीं यूज करते, वो सिर्फ क्वेश्चंस के लिए, जिस टाइप का मैंने क्वेश्चन दिया था उसी के लिए आता है. ठीक है, आर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट लगाते हैं. ये एसिड है HA, और HA अपना डिसोसिएट करके बनाता है H+ एंड A-. जैसे प्रीवियस टॉपिक में केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने केसी लिखा था द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ऐसे ही ये एसिड है, रिवर्सिबल रिएक्शन बात कर रहे हैं, HA है, डिसोसिएट होके H+ आयंस भी बनाता है, A- भी बनाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं Ka. Ka क्या है? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड. तो जब हम Ka लिखते हैं एसिड के लिए, Ka मतलब K कैपिटल और A सबस्क्रिप्ट मतलब छोटा सा, और बेस के लिए लिख देते हैं Kb, तो एसिड के लिए लिख रही हूं Ka इज इक्वल टू H+ A- अपॉन HA. ठीक है, ये हो जाता है अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एसिड के लिए. यहाँ पर एसिड अपना डिसोसिएट हो रहा है इनटू प्रोटॉन, H+ आयंस दे रहा है क्योंकि एसिड का काम है H+ आयंस देना, तो H+ एंड A-. तो ये हम लोग इस तरह कर लिखते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड. एंड ऐसे ही अगर मैं कोई बेस बोल दूं कि बेस इज BOH, तो वो B+ और OH- बना रहा है, तो उसके लिए हम Kb लिख देते हैं. ये बी है, हाँ, डोंट रीड इट एज बी, Kb है, तो Kb हो गया B+ into OH- upon BOH. अब हमें क्या हुआ, इसके अंदर हमको क्वेश्चन ऐसे आता है, वो पूछेंगे कि हमको कोई, आपको कोई एसिड दे रखा है और आप बताओ कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है. जैसे अगर मैं आपको एक तरफ दूं HCl और दूसरी तरफ दे दूं CHCCOOH, तो आपको ऑलरेडी पता है कि मैम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे मिनरल एसिड्स हैं. तो मिनरल एसिड्स तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है. ये हम लोग कितना मतलब बहुत सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड. लेकिन पता कैसे चला कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड है? ये तो नहीं बोलोगे कि मैम HCl अपने हाथ पर डालो हाथ जल जाएगा, एसिटिक एसिड डालोगे हाथ पर कुछ नहीं होएगा, इसलिए ये तो प्रॉपर नहीं है, हमको केमिस्ट्री के टर्म्स में बात करनी है. तो वो हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है Ka को कंपेयर कर. कैसे? मतलब अगर HCl है, ये डिसोसिएट कर H+ और Cl- बनाता है, और CHCCOOH डिसोसिएट कर CHCCOO- और H+ बनाता है. देखो मैंने अपने आप ही ना HCl के अंदर सिंगल वाला एरो लगाया, क्यों? क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि भैया HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि जैसे ही HCl को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, HCl इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, गैशियस स्टेट में नहीं होता, सिर्फ पोलैरिटी होती है, लेकिन जैसे ही हम उसको पानी में डालते हैं, एक्वस स्टेट में लेते हैं, तो वो H+ और Cl- आयंस में डिसोसिएट होता है. और इतना ज्यादा अच्छा एसिड है कि अगर मैंने इसके 10 मॉलिक्यूल्स डाले HCl के, तो वो 10 के 10 मॉलिक्यूल्स पूरा का पूरा
टेन एच प्लस और टेन सी एल माइनस बना देते हैं। तो इस केस में जब हम के ए लिखेंगे तो आप के ए तो ऐसे लिखोगे, फॉर्मूला तो अपना यही है, मेथड ऑफ राइटिंग है ना। और इस केस में आप लिख दोगे के ए ऐसे करके लिख दोगे। अब इस केस के लिए जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है अपना, तो इसके लिए हम ऐसा तो लिख ही सकते हैं कि अगर T इक्वल टू जीरो पे ये C मोलर था, मैं C मोलर भी लेते, नंबर ऑफ मोल्स में बात कर लेते हैं, लेट्स से इसके 10 मोल्स थे, ठीक है। तो जब भी इक्विलिब्रियम अटेन हुआ या दो चार मिनट बाद, इसके 10 के 10 के मोल्स खत्म हो जाएंगे, 10H प्लस बन जाएंगे और 10 मोल्स Cl माइनस के भी बन जाएंगे, 10 इसके बनेंगे 10 इसके बन जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर लिखे लेट्स से 1 लीटर वॉल्यूम, तो 10/110 मोलर जैसे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, लेकिन अपॉन जीरो है कि नहीं, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा खत्म हो गया, और एनीथिंग अपॉन जीरो इसका मतलब इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड, की मतलब वो इतना ज्यादा है कि हम उसको नाप ही नहीं सकते। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए ना के ए की वैल्यू बहुत 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 हाई होती है, बहुत 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 हाई होती है, कि हम मेजर ही नहीं कर सकते ना। इनफाइनाइट को तो अनडिफाइंड भी कहता है ना, कि उसको आप मेजर ही नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए के ए इज नॉट डिफाइंड। हम जो के ए की बात करते हैं वो के ए इसके लिए बात नहीं कर सकते, बिकॉज के ए इज नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइंड, कि इतनी ज्यादा डिसोसिएशन है कि HCl तो बचता ही नहीं है, पूरा का पूरा नीचे जीरो है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। हम के ए की बात किसके लिए करेंगे, वीक एसिड्स के लिए करेंगे। वीक एसिड्स के लिए कैसे करते हैं, अभी लिखना होगा, तो आई विल कम बैक टू दिस पेज, बस मैं कॉन्सेप्ट समझा दूं, ठीक है। जैसे ये है CH3COOH, हमको पता है वीक एसिड है, वीक एसिड मतलब इतना वीक एसिड होता है ये कि अगर हमने इसके लेट से 100 मॉलिक्यूल्स लिए मैंने एसिटिक एसिड के, तो वो इतना वीक एसिड है कि 100 में से ना हार्डली 5, मतलब मैक्स टू मैक्स 5 मॉलिक्यूल्स ही डिसोसिएट होंगे इनटू एसिटेट आयंस एंड H प्लस आयंस, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको ऐसे करके बताती हूँ कि एसिटिक एसिड की के ए की वैल्यू CH3COO माइनस H प्लस CH3COOH, जितना ज्यादा ये फॉर्मूले से देख के किसी भी एसिड के लिए, मैंने एसिटिक एसिड लिखा है, आप फॉर्मिक एसिड ले लो, इन जनरल अगर मैं HA लिख दूं किसी भी एसिड के लिए, तो वो एच प्लस और ए माइनस, तो के ए तो यही होता है एच प्लस ए माइनस अपॉन एच ए। किसी भी एसिड के लिए हम ये तो बोल ही सकते हैं ना, जो जितने ज्यादा एच प्लस आयंस देगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, जितना ज्यादा एच प्लस आयंस देगा उतना ज्यादा के ए की वैल्यू हाई होगी, या जिसका के ए जितना ज्यादा होगा, जिसका के ए हायर होगा वो उतने ज्यादा एच प्लस आयंस देगा, ठीक है। के ए और एच प्लस आयंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली एच प्लस, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। हो गया, ठीक है। अच्छा, तो जितने ज्यादा एच प्लस आयंस उतना ज्यादा के ए, या जितना ज्यादा के ए उतना ज्यादा एच प्लस, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस केस में, इस जैसे हम एसिटिक एसिड की बात करते हैं ना, एसिटिक एसिड का के ए इज 1.8 × 10⁻¹। कई वैल्यू छोटी है कि अभी 2 मिनट में ठीक हो जाएगा बच्चों। ओके, आई थिंक इट्स बेटर, 1.8 × 10⁻¹। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि के ए की वैल्यू कितनी छोटी है, 1.8 × 10⁻¹⁵। 10⁻¹ तो काफी छोटी हो गई ना, इसको अगर हम उसमें नंबर में लिखे तो 0.00001 8, ठीक है, तो 1.8 × 10⁻¹⁵ बन जाएगा। क्लियरली बहुत छोटी वैल्यू है,
इसका मतलब यहीं से हमको दिख रहा है कि कितने कम H plus ions देता है, वेरी वेरी वीक एसिड, ठीक है। सो इसके लिए हम वीक एसिड्स के लिए ही हम Ka डिफाइन करते हैं। Ka इज डिफाइंड ओनली फॉर वीक एसिड, ठीक है। अब प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने कुछ वीक एसिड्स लिखवाए थे, फिर से आज कुछ वीक एसिड्स लिखवा रही हूँ और थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करने के सेंस में बता रही हूँ। मैं दो मिनट नेक्स्ट पेज पर आती हूँ, नो कितना ब्लर क्यों हो रहा है। कुछ वीक एसिड्स लिख रही हूँ मैं, 12th के बच्चों को याद होगा। 12th के बच्चे हैं इसके अंदर कुछ, दिव्यांशु है, अनन्या है, जो 12th के बच्चे हैं, करीना है। मैंने जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स थे तो मैंने एक याद करने का ट्रिक भी बताया था। अभी आप लोग मुझे आंसर करना है। 12th पास भी चलेगा, जिसने मेरा अब वो वाली बात है, जिसने एसिडिक स्ट्रेंथ वाला मैंने एक बड़ी सी टेबल बनवाई थी, वो ऑर्डर लिखाया था। HCOOH लिखूं अगर, और बेंजोइक एसिड और RCOOH, मैंने इसके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ बताई थी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, थोड़ा सा ऑर्गेनिक में जा रही हूँ क्योंकि 12th की क्लास मैंने ले रखा है। ये है अपना मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम और मिथेनोइक एसिड होता है। ये है अपना बेंजोइक एसिड और R मतलब एनी अल्काइल ग्रुप, तो इसको हम बोल सकते हैं जैसे कि इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड ले लिया। तो इसके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है, मैंने याद करने का तरीका भी बताया था, किसी को याद है? नहीं, मैंने कहा था हापुड़, ऐसा हापुड़ करके मैंने कहा था, याद कर लो। PHCOOH और RCOOH, तब तो कॉन्सेप्ट भी समझाया था रेजोनेंस की वजह से कि यहाँ पर सी कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, बेंजोइक एसिड का बेंजीन का माइनस एम होता है, इसका प्लस आई होता है, तो सबसे बेकार एसिड हो गया, ये एक सबसे अच्छा एसिड था, तो वो भी समझाया था, बट खैर यू डोंट रिमेम्बर, दैट्स ओके। खैर तो मैं थोड़ा सा इसके Ka की वैल्यू के हिसाब से बताती हूँ कि एक्सपेरिमेंटली ये वाली चीज एब्सोल्युटली वैलिड है कि अगर मैं HCOOH लिखूं और C6H5COOH लिखूं और CHCCOOH Ka की वैल्यू मैंने लिख देती हूँ यहाँ पर, फॉर्मिक एसिड की होती है 1.7 × 10⁻⁴ और बेंजोइक एसिड की है 6.5 × 10⁻⁵, 1.8 × 10⁻⁵। Ka के बेसिस पर बता दो, चलो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा? A, B, मैम बी। अरे वैसे तो फॉर्मिक एसिड ही होगा। वेरी गुड करीना, ठीक है, वेरी गुड मनोज, ठीक है, मैंने वैसे भी ऊपर भी लिख रखा है, तब मैंने वो रेजोनेंस और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगाकर समझाया था। यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगाकर नहीं समझा रही, यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री लगाकर समझा रही हूँ कि Ka की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली हमने ये निकाली और हमको ऑलरेडी पता है Ka ज्यादा, जिसका Ka ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा H plus ions देगा, और जो जितना ज्यादा H plus ions देगा तो वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, स्ट्रॉन्गर द एसिड, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10⁻⁴ है भैया, जब भी 10⁻⁴ ऐसा उसमें जाता है, 10⁻⁵ कंपेयर करेंगे तो 10⁻⁴ वाली वैल्यू बड़ी हो जाती है ना, तो ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी है, तो ए सबसे हाईएस्ट बेस्ट एसिड हो गया। फिर इसमें और इसमें कंपेयर करो, दोनों ही 10⁻⁵ है, ये 1.8 है, ये 6.5 है, तो क्योंकि 10⁻⁵ है दोनों में, तो इन दोनों को हम जब भी कंपेयर करेंगे तो ऑफकोर्स ये वाला वैल्यू बड़ा आएगा, ये वाला वैल्यू छोटा है,
तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, है ना? करेक्ट? यस मैम, है ना? और जो ट्वेल्थ वाले बच्चे थे बच्चों, सीओ ओवर जब भी इसमें बनता है सीओओ माइनस, तो बेंजीन अंदर की तरफ वो नेगेटिव चार्ज को खींच लेती है, तो वो बहुत ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है इसलिए, ठीक है? अच्छा खैर, ओके, सो आई वॉज राइटिंग डाउन सम ऑफ द वीक एसिड्स विच वी विल बी, जिनके ऊपर क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में, ये है कुछ, और तीनों ही वैसे ऐसा तो तीनों ही वीक है, ठीक है? और HCN, HCN, HF, HClO, hypochlorous acid, HClO, hypochlorous acid, ऐसे ही HBRO, hypobromous acid, HIO, hypoiodous acid, HNO2, nitrous acid, ये कुछ सम ऑफ द वीक एसिड्स हैं, C6H5OH, फिनॉल, ठीक है? और बस ये कुछ सम ऑफ द वीक एसिड्स हैं जिनके क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, सम ऑफ द वीक एसिड्स जिनके लिए आप के ए की वैल्यू कंपेयर कर सकते हो, कितने एच प्लस आयंस दे रहे हैं, और उस हिसाब से आप बोल दोगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक एसिड, जिसका के ए ज्यादा स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड, ठीक है? के ए सबको समझ में आया, के बी सबको समझ में आया? अब हम लोग समझेंगे, इसको अलग से भी नाम दे रखा है, ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, ठीक है? बाकी है कुछ नहीं, है सिंपली जो मैं अभी लिखने वाली हूँ, मेन इसका न्यूमेरिकल पार्ट ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पास कोई भी वीक एसिड है जैसे कि CHCCOO- एंड H+ में हो रहा है। अब हमने बोला कि इस एसिड के लिए T इक्वल टू जीरो इनिशियली, लेट्स से इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C मोलर, C कैपिटल C इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C मोलर, तो शुरू में C जीरो जीरो, ठीक है? अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, इक्विलिब्रियम अटेन होने का मतलब है कि ये वीक एसिड है, दो चार मॉलिक्यूल उसके डिसोसिएट हो गए एंड उन्होंने फॉर्म कर लिया एसिटेट आयंस एंड H+ आयंस, तो फिर C 1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा। DOD क्या है इधर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी, अल्फा। कैसे, ये C 1 माइनस अल्फा को आप ऐसे ही लिखते ना, C माइनस C अल्फा, और DOD क्या होता है, कितने चले गए अपॉन इनिशियली कितने थे, तो ये और ये कट जाएगा तो अपॉन अल्फा, तो DOD इज अल्फा, ठीक है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा, तो ये अपना है C 1 माइनस अल्फा, ठीक है? अब इसके लिए हम लोग लिख देते हैं Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, Ka, Ka इज इक्वल टू CHCCOO- H+ अपॉन CHCCOOH, जिसको आप लिख सकते हो C अल्फा अपॉन C 1 माइनस अल्फा, C से C कट गया, ऊपर बचा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है? Now, for all the weak acids, हमेशा आप ये in general है, 1 minus alpha is almost equal to 1, ठीक है? For weak acids ना, 1 minus alpha को, मतलब alpha इतना छोटा होता है 0.005, तो 1 में से 0.05 अगर subtract भी करो तो 0.95 ही आएगा, और 0.95 लगभग 1 ही है, है ना? तो 1 माइनस 0.05, लेट्स से अल्फा की वैल्यू बहुत अच्छी है, मतलब मैं हाईएस्ट बोल रही हूँ कि अल्फा 0.05, कभी 0.05 से ऊपर तो आता ही नहीं है, लेकिन मैं बोलूँ कि बढ़िया अच्छा एसिड है कि वो 0.05 आ गया, तो 1 माइनस 0.05 भी करोगे तो 0.95 ही हुआ, और 0.95 इज ऑलमोस्ट 1, तो हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि 1 माइनस अल्फा ना लगभग 1 ही है, तो यहां से बन जाता है
के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, या फिर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के ए अपॉन सी, विच का विच मतलब जिसका मतलब हो गया अल्फा इज इक्वल टू के ए अपॉन सी. हमारा बन गया पहला फॉर्मूला कि अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए अपॉन सी, पहला फॉर्मूला. तो जो ऑस्टवर्ल्ड है ना, ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला ही यही. वो बोले कि अगर कोई वीक एसिड हो, वीक बेस हो, वीक एसिड वीक बेस, कोई भी वीक अपना इलेक्ट्रोलाइट हो, तो उसके लिए अल्फा द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. ये लिखो फिर मैं डिग्री ऑफ अल्फा की एक और वो ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ की एक और डेफिनेशन बोल दूं. दिस वन आपने लिख लिया बच्चों? और इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे आ रही हूँ बच्चों. जैसे अच्छा Done. और ऐसे ही जो यहाँ पर था अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए अपॉन सी, ठीक है, इसी को कॉन्सेंट्रेशन की ओर या फिर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, ऑस्टवर्ल्ड ने क्या बोला, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. फिर से क्लियर हो गया? हाँ. अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. और ये कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऊपर आएगा. तो उन्होंने बोला अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो उन्होंने ये दो फॉर्मूले बोले, उनकी स्टेटमेंट ही यही थी एज पर ऑस्टवर्ल्ड्स क्या हुआ डाइल्यूशन लॉ. उन्होंने ये बोला कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जब वीक हो, ठीक है, एसिटिक एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जब हम बेस के लिए भी बोल सकते हैं, किसी के लिए भी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट of dilution or inversely proportional to the square root of concentration. मतलब अपने आप ही आप डेफिनेशन बना सकते हो कि आपको अल्फा के फॉर्मूला निकाल लो सिंपली और फिर ये लिख दो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन है. वॉल्यूम का डाइल्यूशन बोल रहे, कितना ज्यादा आपने डाइल्यूट किया है, कितना ज्यादा पानी डाला है, तो वो डाइल्यूशन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, जो वीक एसिड्स होता है ना, जैसे CaCCOH है, अगर आप प्योर स्टेट में लेते तो बहुत ही कम उसका डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है. जब उसका डाइल्यूट करता है ना तो फिर उसका डिसोसिएशन बढ़ जाता है. देखो ना डायरेक्टली वॉल्यूम आप डाइल्यूट कर दोगे, पानी डाल दोगे, जितना आप डाइल्यूट करोगे तो उसका डिसोसिएशन बढ़ जाता है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, डन 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 मैम. अब थोड़ा सा मैं इसके साथ साथ अभी ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ के बेसिस पर ना दो तीन फॉर्मूले लिखने हैं मुझे. वो फॉर्मूले लिखने से पहले मैं पीएच स्केल बता दूं, जिससे कि फिर मैं इसके बेसिस पर पीएच भी निकाल पाऊंगी. इसी टॉपिक पे हम वापस आएंगे, ठीक है, पर पहले मैं आपको वाटर के बारे में आयनिक प्रोडक्ट पर पीएच स्केल समझा देती हूँ. ठीक है, सो हेडिंग लिखो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर.
और वाटर के आयनिक प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं के सबस्क्रिप्ट डब्लू, ठीक है। सो अगर हम प्योर वाटर ले, मतलब प्योर वाटर ऐसा लिक्विड स्टेट, तो उसको आप क्या लिखोगे कि H प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस, ठीक है। जब आपने ऐसा करके लिखा तो हम लिख देते हैं के इक्वलिब्रियम, के इक्वलिब्रियम हो गया H प्लस इंटू OH माइनस अपॉन H2O, प्योर लिक्विड है, इसको ऊपर ले जाओ, के इक्वलिब्रियम इंटू H2O इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस और दिस इंटू दिस, इसको हम बोलते हैं KW is equal to H plus into OH minus, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला है। We will never be using K equilibrium, we will always use KW, जिसको कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर। नाउ हुआ क्या, हमने ये पाया एक्सपेरिमेंटली, आपने कैलकुलेट किया कि एट 25 डिग्री सेल्सियस, 298 केल्विन हम लोग बोलते हैं रूम टेम्परेचर के लिए, तो एट 298 केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, प्योर वाटर ले रहे हैं। प्योर वाटर की जो है, अगर याद होगा तो 55.5 मोलर आती है, याद है वाली चीज कैसे आती है, याद है वाली चीज कैसे आती है, थोड़ा सा सोचो कैसे आएगी प्योर वाटर का। मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बोला, मैंने सिर्फ इतना बोला कि बेटा प्योर वाटर है, उसकी मुझे मोलारिटी निकाल के बताओ, एक लीटर पानी है, उसकी मोलारिटी निकाल के बताओ, तो 55.5 ही आएगी हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस पर। क्यों, कोई तो अनम्यूट करना चाह रहा है। प्योर वाटर, I'll come back to this, that's very important. Pure water की 55.5 molar ही आती है। क्यों? Pure water, मैंने आपको एक लीटर पानी बोल दिया, प्योर वाटर की डेंसिटी क्या होती है, प्योर वाटर की डेंसिटी 1 होती है ना, 1 ग्राम पर सीसी। यस मैम। तो मैंने चाहे एक लीटर पानी बोलूं, चाहे 100 ml पानी बोलूं, हमेशा उसकी इतनी कॉन्सेंट्रेशन आएगी। क्यों, लेट्स से अगर एक लीटर पानी है, एक लीटर पानी मतलब कि 1000 ml, ठीक है, और अगर डेंसिटी हो गई 1 g/ml, तो मास कितना हो गया, मास कितना होता है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कितना हो गया 1000 ml इनटू 1 g/ml, तो ml से ml कट गया, मास आ गया 1000 g, और मोलारिटी कितनी हो जाती है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मोल्स कितने होंगे 1000/18, और वॉल्यूम कितनी है पर लीटर लेते हैं, तो 1 liter, तो 1000/18 की वैल्यू आती है 55.5 हमेशा। और ये अगर मैं आपको 1000 ml पानी ना बोलती, मतलब अगर मैं बोलती कि बेटा नहीं एक लीटर नहीं, मैं तुम्हें 100 ml पानी दूंगी, तो 100 ml के हिसाब से भी 55.5 ही आएगी। क्यों, एक बार मैं वो भी कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। तो वाटर की ना मोलारिटी याद कर लो कि 55.5 ही बोलनी है आप लोग को, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ, दूसरे पेन से लिख देती हूँ। अगर मैंने बोला कि वाटर आपको मैंने 100 ml दिया, ठीक है, 1000 ml से मैंने 100 ml कर दिया, 100 ml दिया, तो फिर डेंसिटी तो आपकी है 1 g/ml, अगेन डेंसिटी इसकी 1 g/cc, 1 g/ml ही होती है, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो 100 ml इनटू वॉल्यूम कितनी, अच्छा सॉरी 100 ml इनटू 1 g/ml, तो मास हो गया 100 g, ठीक है। और फिर मोलारिटी लिख लो, मोलारिटी होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स कितने हो गए 100/18 अपॉन वॉल्यूम कितनी है 100 ml है ना, तो 0.1 liter, तो 100/18, और नीचे 0.1 है ना, तो ये ऊपर जाके इंटू 10 हो जाएगा, फिर से 1000/18 ही आएगा, विच इज इक्वल टू
हजार ml मतलब एक लीटर लो, 100 ml लो, 50 ml लो, किसी से भी लो, हमेशा आपकी मोलारिटी उतनी ही आएगी, 55.5. सो द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर इज फिक्स 55.5. ओके अच्छा, तो अभी हमको पता ही इधर कि ये प्योर वाटर की 55.5 थी, तो इसको ऊपर लेकर गए तो के इक्विलिब्रियम इनटू 55.5 भी पूछ सकता है आपको, तो आपको पता है कि दिस इनटू दिस इज इतना. तो एट 25 डिग्री सेल्सियस, कमिंग बैक टू दिस, आपने के डब्ल्यू कैलकुलेट किया, ये आपको एक्सपेरिमेंटली दिया उन्होंने कि के डब्ल्यू की वैल्यू आती है 10^-14, ठीक है, के डब्ल्यू की वैल्यू. तो हम यहाँ लिख देते हैं KW is equal to H plus into OH minus, which is equal to 10^-14. अब हमको H plus ion concentration निकालने जानना चाहते हैं, water कितना अच्छा acid है, कितना अच्छा base है, ठीक है, हम ऐसा करते हैं H plus के टर्म से बात करते हैं. Now, if you observe this equation, एक molecule water से एक ही H plus बन रहा है और एक ही OH minus बन रहा है, तो जितना H plus बन रहा है उतना ही OH minus बन रहा है, तो इसको हम H plus का स्क्वायर भी लिख सकते हैं. दिस इज इक्वल टू 10^-14. तो H plus आ गया 10^-7 मोलर. एंड सिमिलरली OH minus इज आल्सो इक्वल टू 10^-7 मोलर. यानी कि प्योर वाटर में आपको पता है एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 10^2. अभी आपके घर में जो पानी आता है, आप जो प्योर वाटर है, ठीक है, फिल्टर्ड प्योर वाटर जो होता है, तो आपको उसके अंदर पता है कि प्योर वाटर जो मैं पी रही हूँ उसके अंदर एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 10^-7, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 10^-7. क्लियरली वाटर बहुत ही न्यूट्रल होता है यार, अच्छा एसिड नहीं होता है, हम उसको न्यूट्रल इसलिए तो बोलते हैं कि एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इतनी लो है और OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन भी उतनी ही लो है और दोनों बराबर है, तो उसमें जितना H plus है उतना ही OH minus है, hence it is neutral, ठीक है ना. तो ये वाली चीज नोट डाउन करो प्लीज, और इसी से फिर मैं pH स्केल भी बताती हूँ. मैम नोटेड? यस मैम. ऐसे ही एक जो मनोज वाला क्वेश्चन था कि KW at 25 degree Celsius is equal to 10^-14, and similarly KW एट 90 डिग्री सेल्सियस, हमने जब ये टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या हुआ, के डब्ल्यू की वैल्यू आती है 10^-12. तो इस केस में और इस केस में मुझे H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बता दो. पहले वाले में होगी H प्लस 10^-7, इस वाले में H प्लस होगी 10^-6. क्लियर क्लियर? पिछला पेज हाँ. मैं ये वाला नहीं, इससे पीछे वाला पेज. यस मैम. हम 25 डिग्री में 10^-14 नहीं होगा. मनोज मैम वेट, ये वाला कर ले, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. डन मैम. है ना. और ये अपना ये वाला पेज था, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला. टेम्परेचर इंक्रीज करने पर के डब्ल्यू इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, नहीं ऐसे लिख देता हूं. ऑप्शन ए या ऑप्शन बी विच इज करेक्ट. टेम्परेचर इंक्रीज करने पर के डब्ल्यू इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर के डब्ल्यू डिक्रीजेस, विच इज करेक्ट, ए या बी? मैम ए. मैम ए. मैम बी. सोच समझ के आंसर देना. सिली मिस्टेक करी जिसने बी बोला है. किसने बोला था बी, भावना ने कि करीना ने? मैम मैंने ए कहा था.
गुड, सबने ए का था, है ना, ए इज करेक्ट. अरे भैया 10^-12 बड़ा है, 10^-14 छोटा है ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर के डब्ल्यू इंक्रीजेस. ठीक है, यस मैम. ओके, सो ये तो बहुत ही ऑब्वियस चीज थी. चलो अरे अच्छा अभी ना, सो हमारे को प्रॉब्लम क्या हुई कि एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये 10^-7, 10^-6 लिखना बड़ा टफ हो रहा है, इसको कैलकुलेट करना कुछ ना कुछ एरर हो ही रहा है, कंफ्यूजन है, सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं. तो फिर हमने डिवाइस किया पीएच स्केल, हमने डिवाइस कर दिया पीएच स्केल. किसने दिया पीएच स्केल? सोरेनसन करके एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, तो उन्होंने दिया पीएच स्केल सोरेनसन ने. और दिस इज वैलिड ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, यही इसकी खामी है, लिमिटेशन है कि कोई आपसे पीएच स्केल का लिमिटेशन पूछे तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए वैलिड नहीं है. इट इज ओनली वैलिड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ही वो वैलिड है. लिमिटेशन करके लिख सकते हैं कि नॉट वैलिड फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस के लिए इट इज नॉट वैलिड, ओनली वैलिड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस. वो क्या बोले कि हमको ना ऐसा तकलीफ हो रही है कि इतना छोटा वैल्यू उसको 10^-6, 10^-7 लिखने में हम लोग को डिफिकल्टी हो रहा है, तो हम क्या करते हैं ऐसा करके पीएच लिख देते हैं. तो पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच प्लस, नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस, ये अपना पीएच स्केल है. इसके बेसिस पर आप कुछ भी लिख सकते हो. अगर मैं लिख दू पीओएच तो दैट विल बी नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ ओएच माइनस. ठीक है, अगर मैं लिख दू पीकेडब्ल्यू, है ना, मेरी इच्छा मैं किसी के आगे भी लगा दू, अपने नाम के आगे लगा दू, किसी के भी नाम कुछ भी लिख दू पीकेडब्ल्यू, सो दैट इज सिंपली नेगेटिव लॉग ऑफ केडब्ल्यू. मैंने बोला के ए के लिए डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड, तो के ए के लिए भी लिख सकते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ के ए. के बी के लिए भी इच्छा है मेरी, मेरे को आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ बेस के लिए लिखना है, तो फिर नेगेटिव लॉग ऑफ के बी, जिसके लिए लिखना है उसके लिए लिख सकते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ के ए, नेगेटिव लॉग ऑफ के पी के ए, पी के बी, पी के डब्ल्यू, सॉरी आपने पी तो लगाए नहीं, पी के ए, पी के बी, पी के डब्ल्यू, पी एच, पी ओ एच, तो उन्होंने ऐसा पी एच स्केल बना दिया. ठीक है, दिस इज डन पी स्मॉल पी और उसके बाद कैपिटल एच, कैपिटल ओ एच, कैपिटल के डब्ल्यू, कैपिटल के ए, कैपिटल के बी. ठीक है, तो अब जैसे हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक है, सो हम इसकी बात करते हैं, अगर हमने बोला जैसे एट 25 degrees Celsius, 25 डिग्री सेल्सियस पर OH, सॉरी H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन तो हमको पता है 10^-7 बोला है, तो pH कितना हो जाएगा, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10^-7, क्योंकि नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस था ना, ये अपना H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है, तो pH कितना होता है, ऐसे लिख लेते पहले, pH तो हमको फॉर्मूला पता है, दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन विच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10^-7, इधर जो लॉग लेते हैं टू द बेस 10 लेते हैं, तो 10 से 10 ये वाला जो ये हट जाता है और यहाँ पर बचता है नेगेटिव, तो बाहर लिखा हुआ ही था -7 विच कम्स आउट टू बी 7, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच इज इक्वल टू 7. क्लियर, ऐसा आता है हमारा आंसर, पीएच की वैल्यू क्या है इस पे. ठीक है, ऐसे ही 25 डिग्री सेल्सियस पर पीओएच की वैल्यू क्या आएगी, माइनस लॉग ऑफ ओएच नेगेटिव. फाइनल आंसर बताओ 25 डिग्री सेल्सियस पर पीओएच की वैल्यू 7/14 मैम, 7 7 14
सात की 14 कौन कौन बोल रहा है 14 होगी 7 मैम 14 मैम 14 यही इसलिए मिस्टेक नहीं करना इसलिए मिस्टेक नहीं करना क्यों भाई एक बार बताओ 25 डिग्री सेल्सियस पर OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई थी -7 ही तो आई थी तो अगर हम आपसे पूछे कि POH कितना होगा तो आप बोलोगे नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस तो नेगेटिव लॉग ऑफ 10^-7 यानी कि 7 ही तो ही यस मैम और पीएच स्केल होता है जब भी हम लोग पीएच स्केल ऐसा पीके में पीकेडब्ल्यू लिख देते हैं पीकेडब्ल्यू इज नेगेटिव पीकेडब्ल्यू इज नेगेटिव लॉग ऑफ kw और अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पर ही खेल रहे हैं तो नेगेटिव लॉग ऑफ 10^-14 तो 14 आया तो pkw जो है ना ये 0, 7, 14 यहां से यहां तक वेरी करता है ठीक है अगर हम इसको ph के टर्म्स में बताएं तो 0 to 7 एसिडिक और 7 से 14 इज बेसिक ठीक है और 7 पे होता है अपना न्यूट्रल पीएच स्केल बोल रही हूँ पीएच स्केल ठीक है 0 से 7 ऐसा 7 to 14 बेसिक कंफ्यूज नहीं होना अभी मैंने क्या बोला पीओएच की वैल्यू बोलू तो प्योर वाटर के लिए 7 है प्योर वाटर के लिए 7 है ठीक है पीओएच की वैल्यू और पीएच की वैल्यू दोनों की वैल्यू 7 आते हैं कि प्योर वाटर के अंदर क्या होता है जितना एच प्लस उतना ही ओएच माइनस प्योर वाटर के लिए पीएच और पीओएच दोनों 7 है अभी मैं बोल रही हूँ कि कोई रैंडम सॉल्यूशन मैंने अपने पास ग्लास के अंदर पानी लिया और उसमें थोड़ा सा एसिडिक एसिड डाल दिया ठीक है अभी वो मेरे पास सॉल्यूशन एसिडिक है एसिडिक कि ब्लू लिटमस पेपर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन से उसको ट्रीट करवाऊंगी तो फिर वो रेड कलर का हो जाएगा एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड तो उसकी पीएच की वैल्यू 0 से 7 आती है और अगर मैंने बेस का लिया साबुन का लिया डिटर्जेंट ले लिया ठीक है तो उसकी पीएच की वैल्यू 7 से 14 तक आती है फॉर एनी सॉल्यूशन नॉट फॉर प्योर वाटर प्योर वाटर इज न्यूट्रल इसकी पीएच या पीओएच की वैल्यू आती है 7 ठीक है ऐसे ही क्यों हमने तब कहा था कि जो पीएच स्केल है ना इट इज ओनली वैलिड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन क्योंकि सोरेनसन ने तो वाला स्केल बना दिया 0 to 14 आप देख लो पीएच की वैल्यू कैलकुलेट कर लो 0 से 7 के बीच में आ रही है तो इसका मतलब एसिडिक है 7 से 14 के बीच में आ रही है तो बेसिक है और अगर एग्जैक्टली 7 आ रही है तो न्यूट्रल है अगर हम बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लें ठीक है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लिया लेट्स से कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया ठीक है अब स्ट्रॉन्ग एसिड इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 5 मोलर लेट्स से मैंने HCl लिया कॉन्सेंट्रेटेड लिया 5 मोलर लिया है हमको क्या करना था डाइल्यूट सॉल्यूशंस के ऊपर ही पीएच स्केल अप्लाई कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं 5 मोलर इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड तो इस केस में क्या होगा HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब HCl तो पूरा का पूरा H प्लस और Cl माइनस दे देगा तो फिर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 5 मोलर और जब आप पीएच निकालोगे इस सॉल्यूशन का तो नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस विच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 5 और लॉग 5 की वैल्यू कितनी होती है लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.7 तो -0.7 पीएच स्केल 0 से ऊपर है पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए नेगेटिव वैल्यूज आ रही है एंड सेम फॉर OH माइनस आल्सो हां तो हम लोग ऐसा बोल देते हैं इसी वजह से कि आपको कॉन्सेंट्रेटेड वाला सॉल्यूशन नहीं लेना है सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन लो उसी के लिए पीएच स्केल यूज करना बाकियों के लिए यूज नहीं करना ठीक है डन यस मैम ओके अभी आपको पीएच स्केल समझ में आ गया और ओके अभी पीएच स्केल के बेसिस पर ही वी हैव टाइम ना वी हैव 5 मिनट्स बच्चों अब मैं वापस अपने ऑस्टवॉल्स डाइल्यूशन लॉ पर आ रही हूँ और उसके बेसिस पर जो है ना एक दो फॉर्मूले बनते हैं वो फॉर्मूले लिखा देते ठीक है सो वापस कमिंग बैक टू दिस CHCCOOH इज अ वीक एसिड तो वो CHCCOO- और
एच प्लस H प्लस आयंस बना रहे, तो T इक्वल टू जीरो पे C कॉन्सेंट्रेशन थी, T इक्वल टू इक्वलिब्रियम पे C वन माइनस अल्फा, C अल्फा अल्फा, फिर के ए आपने लिखा एसिटेट आयंस H प्लस अपॉन CHCCOOH, तो के ए हो गया C अल्फा अपॉन सी वन माइनस अल्फा, यहां से सी चला गया, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। वन माइनस अल्फा को आप जो है लगभग लगभग वन कह सकते हो, तो फिर के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए अपॉन सी। ये बन जाता है हमारा पहला फॉर्मूला, नंबर वन। नंबर टू, हमेशा आपसे वीक एसिड है तो पीएच निकालने को बोलते हैं, पीएच आपको निकालने को बोलेंगे, तो इसका मतलब पहले आपको एच प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए। एच प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सी इंटू अल्फा, यानी कि सी इंटू अल्फा, ठीक है। और ये सी इंटू अल्फा कितना हो गया, सी इंटू अल्फा कितना है, अंडर रूट के ए अपॉन सी। तो मैं यहां पर आ जाती हूँ, अभी एच प्लस आयंस इज इक्वल टू अंडर रूट के ए इंटू सी, दिस इज माई दूसरा फॉर्मूला। फॉर्मूले को उसमें डाल देते डब्बों में, तो दिस इज अपना दूसरा फॉर्मूला, और इसके बेसिस पर pH is equal to negative log of H plus, तो negative log of H plus ion concentration कितनी है, under root Ka into C, जिसको आप लिख सकते हो negative log of, ये Ka into C का under root है ना, तो हम इसको लिख देते हैं Ka into C the whole raised to 1 by 2, और log of समथिंग रेस टू, मतलब लॉग वाली चीज आती है बच्चों, इसके अंदर जो जो भी एक्सपोनेंट होता है ना उसको हम बाहर ला सकते हैं, मतलब दिस बिकम्स, ये वन बाई टू को बाहर ले आई, माइनस पहले से था ही, माइनस हाफ लॉग ऑफ के ए इंटू सी। क्या ये वाली चीज आती थी कि लॉग के फॉर्मूले लिख दू, मेडिकल वाले बच्चे स्पेशली आते हैं बच्चों ये वाली चीजें आप लोग को? यस मैम, सर ने पढ़ाया, ठीक है। अगर नया तो मुझे बताना, लॉग के तीन चार फॉर्मूले होते तो मैं लिख दूंगी, ठीक है। तो माइनस हाफ लॉग ऑफ के ए इंटू सी, एक बार नोट डाउन कर लो, मैं इसका नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ। डन मैम, अभी किया। अच्छा जल्दी से करो, हम पीएच के निकालते हैं, दो फॉर्मूला लिख चुके, तीसरा फॉर्मूला। सो पीएच इज इक्वल टू माइनस हाफ लॉग ऑफ के ए इंटू सी, सो पीएच इज इक्वल टू माइनस हाफ लॉग के ए प्लस लॉग सी। सो लॉग ऑफ ए मतलब एक्स इंटू वाई कुछ भी हो, तो लॉग ए प्लस लॉग भी लिखता है, तो लॉग के ए प्लस लॉग सी, ठीक है। हाफ बाहर रख रही हूँ और नेगेटिव को अंदर लेके जा रही हूँ, तो माइनस लॉग ऑफ के ए माइनस लॉग सी, तो हाफ नेगेटिव लॉग ऑफ के ए बन जाता है पी के ए माइनस लॉग सी। तो इसको हम इधर ऐसे करके लिख देते हैं, पीएच इज इक्वल टू हाफ PKa माइनस log C, ये अपना बन गया तीसरा फॉर्मूला, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बट दीज थ्री फॉर्मूले इज
valid only for monoprotic acid. Monoprotic acid मतलब वो वाले weak acids जो कि सिर्फ एक ही H plus ions दे रहे हो, जैसे acetic acid है ना, वो एक ही H plus ion देता है, उसी के ऊपर ये वाला formula apply करना आप, ठीक है? अगर हमारे पास let's say H3PO4 होता, phosphoric acid होता, तो phosphoric acid भी आपको पता है weak acid है, तो phosphoric acid जो है ना पहले एक H plus निकालेगा और फिर H2PO4 माइनस वन बनाता है, फिर वो H2PO4 नेगेटिव एक और H प्लस निकालेगा और HPO42 नेगेटिव बनाता है, और फिर आखिर में ये जो HPO42 नेगेटिव है एक और H प्लस निकालकर PO43 नेगेटिव बनाता है। तो इन सब के लिए ना पहले उसमें से H प्लस निकालना आसान होता है, फिर वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज बन गई उसमें से एक H प्लस निकालना और कठिन होता है, फिर एक लास्ट में डबली नेगेटिव चार्ज, तो H प्लस निकालना बहुत और कठिन होता है, तो उसके लिए नहीं अप्लाई करना हमको ये फॉर्मूला, उसके लिए वो हम अलग से सीखेंगे। बट हम अगर जो ये तीन फॉर्मूले मैंने लिखे वो आप तभी अप्लाई करो फॉर वीक मोनोबेसिक एसिड्स, मतलब वीक मोनोबेसिक एसिड्स के लिए ही आप अप्लाई करोगे, ठीक है? एक फॉर्मूला ये, एंड जनरली जैसे मुझे फॉर्मूला याद नहीं रखता है तो मुझे तो लगता है कि सबसे अच्छा है इसके अपना धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लो, वो सबसे बढ़िया है, ठीक है? बट फॉर योर कन्वीनियंस बाय चांस एग्जाम में फॉर्मूला ही आ जाए तो आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर एवरीवन? यस मैम।